हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होम और कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब घर में हैं, सेफ हैं, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, टेंशन लेके पढ़ाई बिल्कुल ना करिए सबसे पहली बात। और जो भी पढ़िए मन से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल। ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल बिकॉज दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमने स्टार्ट किया था और थर्मोडायनामिक्स का हमारा पहला पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स कवर हो चुका है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एनर्जी का इंटरैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट और वर्क। वर्क के बारे में पढ़ेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपने लेवल पे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, फिर सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, फिर एंट्रोपी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ेंगे, आइडियल गैस का इंट्रोडक्शन लेंगे, और हमारा ये जेई लेवल का जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। एसएससी जेई के लिए बोल रहा हूँ, ये एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक दो टॉपिक हम और एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक एई के एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसा आपको पता होगा अवेलेबिलिटी फंक्शन है, अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी, कुछ आपके मैक्सवेल के रिलेशन है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। हालांकि मैक्सवेल का जो रिलेशन है वो तो सिर्फ आईईएस में इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, किसी और एग्जाम में नहीं आता, बट अवेलेबिलिटी के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में लग जाते हैं। तो आप घर पे बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और प्लीज फैकल्टीज को सपोर्ट करिए बाय शेयरिंग योर वीडियोस, बाय लाइक। आप लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि फैकल्टी मेंबर्स जो आपके लिए टफ सिचुएशन में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको एक एनकरेज मिल सके, उनको एक प्रेरणा मिल सके, ताकि वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए वो बना सकते हैं, आप उनको एनकरेज कीजिए। ठीक है, तो आज हमने जो पिछला टॉपिक कवर किया था बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, उसके बाद मैं चलता हूं अपने अगले टॉपिक पे, एनर्जी का इंट्रैक्शन मतलब हीट और वर्क में। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है, एक बार आईईएस का ऑब्जेक्टिव है, गेट में भी पूछा हुआ है, और एक बार एसएससी जेई के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराता हूं। अच्छा, जब मैं ये ऑब्जेक्टिव करा दूंगा तो आपको एक आध लेक्चर बाद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, या हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन सेट भी करा दूंगा जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। गिब्स का फेज रूल आपने देखा था, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा है हमारे पास एक मिक्सचर है। अब आपको पता है मिक्सचर का मतलब एक से अधिक चीजें इसमें मिक्स होंगी। मिक्सर का मतलब क्या होता है? एक से अधिक कंपोनेंट। क्लियर? अब समझिए, मिक्सर का मतलब होता है कंपोनेंट नहीं, सॉरी, एक से अधिक फेज आपके इसमें एग्जिस्ट कर रही होंगी, मतलब एक से ज्यादा चीजें इसमें मिक्स होंगी। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास एक मिक्सचर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें NH3 है और H2O है, NH3 है और H2O है, और क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज अ टू फेज सिस्टम, दिस इज अ टू फेज सिस्टम। तो इसने पहले ही आपका एक काम आसान कर दिया, क्या? ये बोलकर कि ये एक टू फेज का सिस्टम है, तो आपको नंबर ऑफ फेज निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दे दिया है कि दिस इज अ टू फेज सिस्टम। अब आपसे पूछा है कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। सिंपल सी चीज है, निकाल लीजिए। अकॉर्डिंग टू गिब्स क्या है? P प्लस एफ सी प्लस टू, तो P तो दिया ही है, कितना? टू, टू फेज सिस्टम, P तो दिया ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यही वो चीज है जो निकालनी है, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट, ध्यान से, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट कितने हैं? H2O अलग है और NH3 अलग है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से कोई ताल्लुक कोई मतलब नहीं है, ये अलग है ये अलग है, तो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट कितने हैं? दो प्लस दो। ठीक है, तो यहां से देखिए, टू एंड टू गेट्स कैंसल्ड आउट एंड वी आर लेफ्ट विद एफ इज इक्वल टू टू, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टू। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, नथिंग टू वरी अबाउट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है,
और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देते हैं। और एस एस सी जेई में और पता है क्या पूछते हैं, एस एस सी जेई में आपको दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपसे पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन में दे दिया प्रेशर, वॉल्यूम, मास, काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है। आपसे पूछ दिया, ऑप्शन दे दिया प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, मास और वॉल्यूम। अब आपको इसमें से इंटेंसिव बताना है। इंटेंसिव का मतलब जो सिस्टम की मास और साइज पर डिपेंड ना करे। सिंपल सी चीज है, हमने देखा था क्या प्रेशर, बाकी काइनेटिक एनर्जी या बाकी सारी एनर्जी, मास, वॉल्यूम, ये क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर का द एंड पूरी तरह से, ठीक है। आप एक बार पूरे वीडियोस को देखिएगा, हमारे लगभग 7-8 वीडियो हो चुके हैं, तो आप इसको देखिएगा। 7-8 घंटे का हमने बेसिक लिया है, हमने 7-8 घंटे में बेसिक कवर इसलिए किया है 8-9 घंटे में, ताकि आपके थर्मोडायनेमिक्स का एक बार बेस क्लियर हो जाए। जब बेस क्लियर हो जाएगा तो बाकी चीजें आप उड़ाते हुए जाओगे, इसलिए हमने बेसिक में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है। किसी भी चीज को अगर आपको बड़ी इमारत बनानी है तो यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो इमारत गिर जाएगी, इसलिए पहले फाउंडेशन बनाइए प्रॉपर, उसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का एंड है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एनर्जी का इंटरैक्शन। चलिए शुरू करते हैं, इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। 6-8 लेक्चर हमारे हैं अभी बेसिक पे, उसको प्रॉपर देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। जो चीज ना समझ में आए कमेंट करिए, और मुझे लगता नहीं कि उसमें इतना कुछ टफ है जो आपको समझ में नहीं आएगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से सिखा सकूँ, बिल्कुल बेसिक से बता सकूँ, और आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप प्रॉपरली लेक्चर को देखोगे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। राधे माँ का नाम लीजिए और शुरू करिए एनर्जी का इंटरैक्शन। शुरू करिए एनर्जी का इंटरैक्शन, बोलिए राधे राधे। अच्छा, इस एनर्जी के इंटरैक्शन में हमको दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है वर्क और एक पढ़ना है हीट। एक पढ़ना है वर्क, एक पढ़ना है हीट। ऊर्जा का विनिमय, दो चीजें पढ़नी है, कार्य और ऊष्मा, हीट एंड वर्क। क्लियर है? तो पहले हम वर्क पढ़ेंगे, फिर हम हीट पढ़ेंगे। जब वर्क और हीट हम पढ़ लेंगे तब हमको ये बात समझ में आएगी कि क्यों थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। जब हम वर्क पढ़ लेंगे, वर्क के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, वर्क की इक्वेशंस निकालेंगे प्रोसेस के लिए, साइकिल के लिए, फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे अपने चीजों को प्रोसीड करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब वर्क इंटरैक्शन, एनर्जी इंटरैक्शन में वर्क और हीट दो चीजें पढ़नी है। तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, एक बात ध्यान रखिएगा, एनर्जी का इंटरैक्शन, एनर्जी का इंटरैक्शन, एनर्जी का इंटरैक्शन, इंटरैक्शन मतलब एक्सचेंज, किसी से विनिमय करना, स्थानांतरण, विनिमय करना, एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज क्या अकेले होगा? नहीं, एक्सचेंज किसके बीच में होता है? कम से कम दो लोगों के बीच में। आपको कोई चीज एक्सचेंज करनी है तो किससे करोगे? किसी ना किसी से तो करोगे, कि अकेले कर लोगे, जेब में डाल लोगे, है ना? तो दो लोगों से एक्सचेंज करोगे, कम से कम दो लोग चाहिए। तो इसमें भी इंटरैक्शन के लिए, इंटरैक्ट किसी से आप कर रहे हैं, किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसी से मुखातिब हो रहे हैं, तो कम से कम दो लोग चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें वो दो लोग कौन है? एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। ध्यान रखिएगा, इंटरैक्शन, कोई भी इंटरैक्शन, चाहे एनर्जी का इंटरैक्शन हो, चाहे मास का इंटरैक्शन हो, जो भी इंटरैक्शन हो, इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी और मास, चाहे एनर्जी का इंटरैक्शन हो, चाहे मास का इंटरैक्शन हो, चाहे भाषा का इंटरैक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंटरैक्शन हो, हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी और मास टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ध्यान रखिएगा,
सबसे पहला पॉइंट इस बात को नोट रखिएगा, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि जितने भी इंटरेक्शन होते हैं चाहे वो एनर्जी के हों या मास के हों, हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, मान लीजिए ये एक कोई कंटेनर है, छोटा सा प्यारा सा कंटेनर है जिसमें गैस भरी है या कोई हॉट लिक्विड भरा है, ठीक है, गर्म पानी भरा है, गर्म लिक्विड भरा है, गर्म चाय भरी है, कुछ भी मान लीजिए। अब ये एक रूम में रखा हुआ है, ये एक रूम में रखा हुआ है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो गैस इसमें भरी है या जो लिक्विड इसमें भरा है, ये अपने एटमॉस्फेयर में कितनी हीट को रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये गर्म है तो कितनी हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, जब ये बॉडी यहाँ पे रखी है, मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, और रूम का कितना होता है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, रूम का जनरल टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में 70 और 27, तो यहां से क्या होगा, एक एनर्जी का फ्लो होना शुरू होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन शुरू होगा। क्या होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन शुरू होगा, किसके किसके बीच में हो रहा है, ध्यान से समझिए। अगर मैं गैस की स्टडी कर रहा हूं तो गैस मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन, क्या हो रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन। सो नोट दिस पॉइंट इन योर माइंड, अपने कॉपी में नहीं दिमाग में फिट कर लो, क्या कि एनर्जी का इंटरेक्शन, मास का इंटरेक्शन, किसी भी चीज का इंटरेक्शन हमेशा दो चीजों के बीच में होगा, दो अवस्थाओं के बीच में होगा। ठीक है, पहला थर्मोडायनेमिक्स में जब हम बात करेंगे एनर्जी के इंटरेक्शन की, तो ये एक होगा सिस्टम और एक होगा सराउंडिंग, दोनों के बीच में ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो पहले आप इस बात को बिल्कुल क्लियर दिमाग में फिट कर लीजिए कि भैया जब भी हम इंटरेक्शन करने जाएंगे हमको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम और सराउंडिंग की। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि दो चीजें चाहिए, सिस्टम और सराउंडिंग, क्लियर है। अब चलिए, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो तरह के इंटरेक्शन, वर्क और हीट में। सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्क, कि वर्क क्या होता है, बिल्कुल दिमाग खोल के ध्यान से बैठिएगा। अब हम देखते हैं वर्क क्या होता है, आइए तो देखते हैं कि वर्क क्या होता है। देखिए सबसे पहली हेडलाइन हम जो डालेंगे वो है हमारा वर्क, क्या है वर्क, और एक एक करके हम चीजों को आराम से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हेडलाइन डालेंगे वर्क, कार्य, वर्क मतलब कार्य, काम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, आप बोलोगे सर वर्क हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि किसी बॉडी पे, मान लो ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगाना और इसको डिस्प्लेस करना, फोर्स में जितने अमाउंट का लगाया और जितना मैंने डिस्प्लेस कर दिया वो क्या हो गया, वर्क, क्या हो गया वर्क। तो सिंपल चीज जो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, इन फिजिक्स आपने पढ़ा होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है सेम चीज बट थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है। इन थर्मोडायनेमिक्स पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन, कि वर्क की डेफिनेशन प्रॉपर है क्या। अगर एक बार हम डेफिनेशन वर्क की देख लेंगे उसके बाद फिर हम चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से समझिए और लिखिए पहले वर्क की डेफिनेशन, उसके बाद हम इसको एलैबोरेट करेंगे। तो लिखिए, इन थर्मोडायनेमिक्स द वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ सिस्टम। इन थर्मोडायनेमिक्स द वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ सिस्टम व्हेन
the sole effect on the things when the sole effect on the things external to the system. पहले आप डेफिनेशन सिर्फ नोट कर लीजिए, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा. When the sole effect on the things external to the system can be equated with the raising of weights. The work is said to be done by a system when the sole effect on the things external to the system can be equated with the raising of weights. मतलब थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, पहले मैं आपको इसका बेसिक मतलब समझा देता हूं. थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कैसे डिफाइंड है. थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डिफाइंड है वेट को उठाने से. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल चीज समझाता हूं. जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं यहां पे, मैं यहां पे खड़ा हूं, जमीन पे एक मास रखा है 10 किलोग्राम का. उस 10 किलोग्राम के मास को अगर मैं 1 मीटर हाइट तक उठाता हूं, उस 10 किलोग्राम के मास को अगर मैं पुल करता हूं 1 मीटर हाइट तक, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने जो वेट रेस किया है तो वेट को रेस करने में आपने कितना काम किया, आप सिंपल बोलोगे सर mg into h. m कितना है 10 kg, g की वैल्यू 9.81, h कितना आपने उठाया 1 मीटर, तो 10 into 9.1 into 1 कितना जाएगा 98.1 न्यूटन. तो आप थर्मोडायनेमिक्स में हम जो वर्क पढ़ते हैं, हम सिंपली कैसे निकालते हैं वर्क, कंपेयर करते हैं विथ रेजिंग ऑफ वेट्स. वेट्स को हम उठा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क निकालते हैं. तो पहले आप इसको समझिए डेफिनेशन को, मैं आपको प्रॉपर इलेबरेट अभी करता हूं. अच्छा, वेट्स आगे लिखिए, वेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड but the effect can be compared with raising of weights. इस डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आई नो इस डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आप एक बार डेफिनेशन सिर्फ नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं वर्ड टू वर्ड इसका मतलब. वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ सिस्टम व्हेन द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड विद द रेजिंग ऑफ वेट्स. वेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड बट द इफेक्ट कैन बी कंपेयर्ड. पहले आप इसको सिर्फ नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब. वीडियो को पॉज करिए और प्रॉपरली नोट कर लीजिए, ठीक है, रब कर दे. चलिए अब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल लेके. थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हमारे यहां थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डिफाइन है वो वेट को उठाने से डिफाइंड है, कि आप कितना वेट उठा पा रहे हो. भले ही आप वेट उठा रहे हो या ना उठा रहे हो, रियल में कर रहे हो या हाइपोथेटिकल है, बट हम उससे वर्क निकाल सकते हैं. आपको समझाता हूं कैसे, ध्यान से समझिए. जैसे ये मान लीजिए एक बच्चा है, यहां पे एक कुआं है, और यहां पे एक कुआं है, कुआं वेल. अब इस कुएं पे अगर आप कभी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप जानते होंगे इस कुएं पे एक रोलर लगा हुआ है. तो बच्चा क्या करता है, इस कुएं में एक बाल्टी को डाल देता है. और कुआं मान लीजिए पानी से भरा हुआ है, बच्चे को क्या करना है, कुएं से पानी निकालना है. तो बच्चे ने क्या किया, एक रस्सी लिया और बाल्टी बांध के कुएं में डाल दिया. अब बच्चे ने क्या किया,
जब बाल्टी को कुएं में डाला तो ये बाल्टी क्या हो गई, पानी से भर गई, ये बाल्टी पानी से भर गई। अब मान लीजिए कि बाल्टी सहित पानी का टोटल वजन, बाल्टी सहित पानी का टोटल वजन मान लीजिए 20 केजी हो गया, बाल्टी सहित पानी का टोटल वजन मान लीजिए 20 केजी हो गया, ठीक है। अब ये बच्चा क्या करता है, ये जो पानी का लेवल है यहां से 2 मीटर की ऊंचाई तक बाल्टी को खींचता है, पानी की सरफेस से 2 मीटर की ऊंचाई तक बाल्टी को खींचता है। जब 2 मीटर तक की ऊंचाई तक, 2 मीटर की ऊंचाई तक बाल्टी को खींचता है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चे ने कितना काम किया, 2 मीटर तक खींचने में बच्चे ने टोटल कितना काम किया, अब बोलोगे सिंपल है क्या, mg into h, निकाल लोगे आप, वर्क डन बाय बच्चा, वर्क डन बाय बच्चा निकाल लोगे कितना, m into g into h। m क्या है, टोटल मास, कितना है 20 kg, बाल्टी प्लस पानी कितना है 20 kg, जी की वैल्यू कितनी है 9.81, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, एच की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कैलकुलेट कर लीजिए जितना भी आंसर आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेट कर लीजिए जितना भी आंसर आएगा, हम क्या लिख देंगे उतना न्यूटन, क्या लिख देंगे उतना न्यूटन, तो बच्चे ने उतने न्यूटन का काम किया, सॉरी उतने न्यूटन इंटू मीटर, तो बच्चे ने उतने जूल का काम किया। ये जो आएगा आपका m इंटू जी, ये आएगा न्यूटन में, इंटू मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल, तो बच्चे ने उतने जूल का काम किया, ठीक है। मतलब हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, बच्चा वेट को उठा रहा है, बच्चा वेट को उठा रहा है और उसका इफेक्ट हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, वर्क से, इफेक्ट कंपेयर कर रहे हैं किससे, वर्क से। तो थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि व्हेन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड विद द रेजिंग ऑफ वेट्स, जब वेट को उठाने से हम उसका इफेक्ट कंपेयर कर सके तब हम उसको बोलते हैं वर्क, क्लियर है। चलिए अब क्या है, अब हमने और क्या लिखा था कि वेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, हो सकता है कि वेट को वास्तव में ना उठाया जा रहा हो, बट द इफेक्ट कैन बी कंपेयर्ड, हो सकता है कि वास्तव में वेट को ना उठाया जा रहा हो बट इफेक्ट कैन बी कंपेयर्ड। तुम बोलोगे सर जब वेट उठ ही नहीं रहा है तो इफेक्ट कैसे कंपेयर करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए ये बाल्टी में पानी का वजन कितना है टोटल 20 kg, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता कि यार अगर ये बच्चा, अगर मतलब एक्चुअल में नहीं हो रहा है, अगर ये बच्चा 100 किलो के वेट को 2 मीटर तक उठाता तो ये बच्चा कितना काम करता। अब देखिए ये एक्चुअल में नहीं उठा रहा है, बस हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये बच्चा 100 किलो के वेट को 2 मीटर ऊपर तक उठाता तो कितना काम करता, तो आप क्या निकाल लेते, W बाई बच्चा, वर्क डन बाई बच्चा कितना जाता, mg into h, कितना वेट उठाना है 100 kg का मास उसको उठाना है, जी की वैल्यू 10 मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, कितने हाइट तक 2 मीटर की हाइट तक, कितना जाएगा 1000 into 2 2000, न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल, सो 2000 जूल का काम करता ये बच्चा अगर ये शूडो वेट उठाता। हमने देखा कि ये बच्चा वेट को एक्चुअल में नहीं उठा रहा है, हमने सिर्फ अज्यूम किया है, बट हम इफेक्ट को अभी भी कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क हमेशा उससे निकाला जाता है कि आप कितने वेट को उठा रहे हैं, चाहे एक्चुअल में उठा रहे हो या आप उसको सिर्फ अज्यूम करके उसका इफेक्ट कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो हमने देख लिया ये है प्रॉपर वर्क की डेफिनेशन, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इतनी टफ कोई, इतना बड़ा कोई तोप नहीं है, बहुत आसान चीज है। अब देखिए हम वर्क के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं, हम धीरे धीरे वर्क की स्टडी करेंगे और इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे। अब ध्यान से समझिए, जब आप कोई वेट उठा रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आप काम कर रहे हो, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क है वो डिफाइंड है विथ रेजिंग ऑफ वेट्स, चाहे वो एक्चुअल हो या आपके दिमाग में हो, दिमाग में भी होगा तब भी हम इफेक्ट कंपेयर कर लेंगे। जैसे मान लो मैं यही खड़ा हूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं यार 100 kg का वेट उठा रहा हूं 2 मीटर हाइट तक, तो मैंने कितना काम किया, आप निकाल लोगे 100 into 9.81 into 2, निकाल लोगे जितना भी आएगा जूल में, मैं एक्चुअल में नहीं उठा रहा हूं, वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेस्ट बट इफेक्ट यू कैन कंपेयर। तो यही है वर्क का मतलब, अब ध्यान से समझिए,
मान लीजिए ये, मान लीजिए एक बैटरी है हमारे पास, सिंपल सी बैटरी। मान लीजिए हमारे पास ये एक बैटरी है, ध्यान से समझिए, हमारे पास ये है एक बैटरी, इन्वर्टर, इन्वर्टर की बैटरी, गाड़ियों की बैटरी, जो भी बैटरी मान लो। इस बैटरी से क्या है, एक तार कनेक्ट है, इस तार से एक मोटर कनेक्ट है। ध्यान से समझिए, बैटरी है, इससे एक वायर कनेक्ट है और वायर से एक मोटर कनेक्ट है। इस मोटर में एक शाफ्ट लगा हुआ है, इस मोटर में एक शाफ्ट लगा हुआ है और इसी शाफ्ट पे हमने एक वेट लटका दिया, एक स्ट्रिंग ली, एक रस्सी ली और उसी से एक एम मास का वेट लटका दिया। ध्यान से समझिए, इस रस्सी की हाइट मान लो जो भी है एच है, इस रस्सी की हाइट कितनी है जो भी है एच है। अब जब मैं बैटरी का कनेक्शन यहां से बैटरी को ऑन करूंगा तो यहां से करंट फ्लो होगी, मोटर में जाएगी, जब मोटर में जाएगी तो मोटर घूमेगी, सिंपल सी बात है, जब मोटर घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगा, जब शाफ्ट घूमेगा तो ये रस्सी जो है शाफ्ट के ऊपर जो रस्सी लगी है ये रस्सी शाफ्ट पे रैप होना शुरू हो जाएगी, ये रस्सी शाफ्ट पे रैप होना शुरू हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि निकालो निकालो कितना वर्क किया, किसने, शाफ्ट ने, निकालो कितना वर्क किया शाफ्ट ने, आप बोलोगे सर ये एम मास जितना उठा होगा, एम अगेंस्ट ग्रेविटी जी इंटू एच, ठीक है। अब ये एच कैसे निकालोगे, एच ये वाली लेंथ नहीं होगी, एच वो वाली लेंथ होगी जितना ऊपर मास उठा है। वो कैसे निकलेगा, जितना ऊपर मास उठेगा वो कैसे निकालोगे, जब वेट ऊपर जाएगा तो रस्सी क्या होगी, शाफ्ट में रैप होगी, शाफ्ट में रैप होगी और कितना रैप होगी, 2πr, कितना रैप होगी, 2πr उसके पेरिफेरी के बराबर। तो वो हो जाएगी हमारी हाइट जो एक बार में, एक राउंड में कितना उठेगा, 2πr, एक राउंड में उतना ही उठेगा ना जितना इस पे रैप होगा, तो 2πr हमने निकाल लिया, mg इंटू 2πr। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्क, क्लियर। अब ध्यान से समझिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, हमारे पास मान लीजिए एक बैटरी है, इससे एक तार लगा है, तार में मोटर है, मोटर में शाफ्ट है, शाफ्ट से एक वेट लटका हुआ है। अब मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से समझिए, हम तीन केस की बात करेंगे। पहले केस में मैंने क्या किया, इस बैटरी को सिस्टम मान लिया, इस बैटरी को मान लिया अपना सिस्टम, ये हमने क्या डिफाइन करी है, बाउंड्री, क्या डिफाइन करी है, बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर सिस्टम, बाउंड्री के बाहर की सारी दुनिया जहां क्या, सराउंडिंग, ठीक है। हमने अपनी बाउंड्री डिफाइन कर ली, बैटरी को अपना सिस्टम मान लिया, अपनी बाउंड्री डिफाइन कर ली, क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बाउंड्री के अंदर बैटरी है, मतलब बाउंड्री के अंदर सिस्टम है, आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा बाउंड्री के बाहर क्या है, आप बोलोगे दुनिया जहां, मतलब सराउंडिंग, है ना। अब आपसे मैं पूछूं कि यार एक बात बताओ, बाउंड्री से बाहर क्या निकल रहा है, ये हमारी बाउंड्री है, इससे बाहर क्या निकल रहा है, आप बोलोगे सर तार, वायर, यही तो निकल रहा है बाउंड्री से बाहर, ये बाउंड्री है, बाउंड्री से जस्ट बाहर क्या निकला है, ये वायर, बाउंड्री से बाहर क्या आ रहा है, वायर, और वायर में क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वायर में क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटरी, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, बैटरी की, बैटरी को हमने सिस्टम माना है, अगर मैं आपसे पूछूं यार बैटरी कौन सा वर्क देती है, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल वर्क, बैटरी कौन सा वर्क देती है, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। अब अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिकल वर्क ही क्यों बोलते हैं, क्यों इलेक्ट्रिकल वर्क बोल रहे हैं, मोटर का वर्क क्यों नहीं बोल रहे हैं, शाफ्ट का वर्क क्यों नहीं बोल रहे, अब बोलोगे सर क्योंकि हमने बैटरी को सिस्टम माना है, बैटरी के बाहर एक बाउंड्री डिफाइन कर दी और इस बाउंड्री को क्या क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इस बाउंड्री को क्रॉस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाउंड्री को सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, इसकी बाउंड्री से जस्ट बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया बाउंड्री को, इलेक्ट्रिकल वर्क, क्लियर है। ये पहला केस है, सेकेंड केस मैं आपको फिर से दिखाता हूं, सेम फिगर, फिर से वही बैटरी, फिर से वही बैटरी, फिर से वही तार, फिर से वही मोटर और फिर से वही शाफ्ट और वही मास एम। ध्यान से समझिए जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं,
ये बैटरी हो गई, ये हो गया मोटर, ये हो गया शाफ्ट और ये हो गया मास जो आपने हैंग किया है। पहले केस में हमने क्या देखा था कि बैटरी की बाउंड्री से बाहर, बैटरी की बाउंड्री से बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क। अब दूसरे केस में हमने क्या माना, इस पूरे बैटरी को और मोटर को अपना सिस्टम मान लिया, इस पूरे बैटरी और मोटर को अपना क्या मान लिया, सिस्टम। इस पूरे बैटरी को और मोटर को क्या मान लिया, अपना सिस्टम, और एक बाउंड्री डिफाइन कर दी। बाउंड्री के अंदर हमारा सिस्टम है, सिस्टम मतलब बैटरी प्लस मोटर, बाउंड्री के बाहर हमारा सराउंडिंग है मतलब शाफ्ट, बाउंड्री के बाहर क्या है, शाफ्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार सिस्टम की बाउंड्री को कौन क्रॉस कर रहा है, आप बोलोगे सर शाफ्ट। शाफ्ट ही एक ऐसी चीज है जो बाउंड्री से बाहर आ रही है। तो मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वर्क है, आप बोलोगे शाफ्ट वर्क। कौन सा वर्क है? शाफ्ट वर्क। ठीक है, क्यों शाफ्ट वर्क है? क्योंकि बैटरी की बाउंड्री को सिर्फ शाफ्ट ही क्रॉस कर रहा है। अगर आपको अभी ना समझ में आए तो अजम्पशन मानिए, एक दिमाग में एक चीज अज्यूम करिए। मान लीजिए ये रूम है, ये जो बाउंड्री है ये रूम है, ये पूरा एक रूम है, ये रूम की दीवार है, ये रूम की दीवार है। रूम की दीवार में एक होल करिए और एक अंदर मशीन रखिए, अंदर बैटरी है, मोटर है, या मान लीजिए अंदर जनरेटर है, ठीक है, और जनरेटर की शाफ्ट को दीवार को तोड़ के बाहर निकाल दीजिए। दीवार में खोल करिए और जनरेटर की शाफ्ट को बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। और तुम यहां खड़े हो जाओ, तुम यहां खड़े हो जाओ, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमको बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलोगे? सर बाहर से मुझे सिर्फ शाफ्ट ही दिखाई दे रहा है और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ शाफ्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कौन सा वर्क दिख रहा है, आप बोलोगे शाफ्ट वर्क, क्योंकि बाउंड्री के अंदर क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं है, बाउंड्री के अंदर क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं है, है ना। तो बाउंड्री के बाहर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाफ्ट। अब क्या बोलोगे? सर कुछ ना कुछ शाफ्ट बाहर आ रहा है, इसका मतलब हमको शाफ्ट वर्क मिल रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे? शाफ्ट वर्क। बैटरी की बाउंड्री से बाहर आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल वर्क। बैटरी की बाउंड्री से बाहर आया शाफ्ट, तो शाफ्ट वर्क। अब तीसरा केस देखिए, फिर से वही बैटरी, फिर से वही तार, वही मोटर, फिर से वही शाफ्ट और फिर से वही वेट मास एम। अब कि हमने क्या किया, इस पूरे को अपना सिस्टम मान लिया, इस पूरे को अपना सिस्टम मान लिया, मतलब पूरा अरेंजमेंट घर के अंदर। अब तुम घर के बाहर खड़े हो, तुम घर के बाहर खड़े हो और पूरा जनरेटर जो भी मशीन है पूरा घर के अंदर है, तुम घर के बाउंड्री के बाहर खड़े हो। तुमसे अगर कोई पूछे कि यार कोई काम तुमको, कोई वर्क दिख रहा है क्या बाहर से, कुछ दिख रहा है बाहर से, बोलोगे नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो सिर्फ दीवार ही दीवार दिखाई दे रही है, मुझे बाउंड्री दिखाई दे रही है, मुझे ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही जो बाउंड्री से क्रॉस करके बाहर आ रही हो, मुझे बाउंड्री से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ दिख रहा है सिर्फ यहाँ पे एक दीवार है, बाउंड्री दिखाई दे रही है। अब मुझे क्या पता अंदर क्या है, मुझे क्या पता घर के अंदर क्या है, मैं तो घर के बाहर खड़ा हूं, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या कैसा वर्क आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे मुझे कोई वर्क दिखाई नहीं दे रहा, मतलब नो वर्क। अब ये नो वर्क क्यों, आपको कोई वर्क दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिस्टम की बाउंड्री से बाहर आ रही है। सिस्टम की बाउंड्री से बाहर क्या आ रहा है? कुछ नहीं। इसलिए काम भी क्या हुआ? कुछ नहीं। यहां हुआ नो वर्क, बिकॉज नथिंग इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, नथिंग इज क्रॉसिंग द बाउंड्री। हियर व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग द बाउंड्री, हेंस इलेक्ट्रिकल वर्क। हियर व्हाट इज हैपनिंग, शाफ्ट इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, हेंस शाफ्ट वर्क। हियर व्हाट इज हैपनिंग, नथिंग इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, हेंस नो वर्क। इसका मतलब आपको समझ में क्या आया कि वर्क सिर्फ तब दिखता है, वर्क सिर्फ तब दिखता है जब वो बाउंड्री को क्रॉस करता है। अगर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो वर्क दिखेगा ही नहीं। इसीलिए आपको मैं बताऊं एक चीज कि दुनिया में वर्क नाम की कोई चीज है ही नहीं, वर्क कुछ होता ही नहीं। क्या होता है? वर्क ट्रांसफर। क्या होता है? वर्क ट्रांसफर। वर्क तभी दिखेगा जब ट्रांसफर होगा। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी का इंटरैक्शन, एनर्जी का ट्रांसफर, इंटरैक्शन। ठीक है, तो वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। वैसे ही जैसे दुनिया में आपने एक चीज सुनी होगी, मोशन। मोशन नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। देयर इज नथिंग लाइक मोशन, देयर इज नथिंग लाइक गति। मोशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। कैसे? अब आप बोलोगे सर ये तो अजीब ही बात बोल रहे हो, हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं मोशन मोशन मोशन। तो आप बोल रहे हो मोशन होती ही नहीं। तो मोशन क्यों नहीं होती पता है?
दुनिया में मोशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो क्या है? रिलेटिव मोशन. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज रिलेटिव मोशन. मोशन नाम की कोई चीज नहीं है. पूछो कैसे, कैसे बताऊं? आप मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, एक ट्रेन आती है और आपके सामने से गुजर जाती है, एक ट्रेन आती है आपके सामने से गुजर जाती है, आपको लग रहा है कि ट्रेन चल रही है और प्लेटफॉर्म रुका हुआ है. आपको क्या लगता है? ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म रुका हुआ है. लेकिन आपका दोस्त ट्रेन के अंदर बैठा है, आपका कोई दोस्त जो ट्रेन के अंदर बैठा है, उसको क्या लग रहा है? कि ट्रेन रुकी है, प्लेटफॉर्म चल रहा है. आपको लग रहा है प्लेटफॉर्म रुका है, ट्रेन चल रही है. आपका वो दोस्त जो ट्रेन के अंदर बैठा है, उसको लग रहा है कि ट्रेन रुकी है और प्लेटफॉर्म चल रहा है. आप जमीन पे खड़े हो, रूम के अंदर पंखे को देखो, आपको लगता है कि जमीन रुकी है, पंखा चल रहा है. आपको लगता है जमीन रुकी है, पंखा चल रहा है. एक इंसान जिसको पंखे के ऊपर बैठा दो, एक इंसान जिसको पंखे के ऊपर बैठा दो, उसको क्या लगेगा? कि पंखा रुका है लेकिन जमीन चल रही है. क्या लगेगा? पंखा रुका है लेकिन जमीन चल रही है. तो दुनिया में हर चीज क्या है? रिलेटिव. इस पर डिपेंड करता है कि तू कहां से खड़ा होकर देख रहा है. इसीलिए डिफाइन किया गया है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम. जिस चीज को देख रहे हो वो कहां से देख रहे हो? प्लेटफॉर्म से ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म रुका है. ट्रेन के अंदर से ट्रेन रुकी है, प्लेटफॉर्म चल रहा है. जमीन पे खड़े हो, पंखा घूम रहा है, जमीन रुकी है. पंखे पे बैठे हो तो पंखा रुका है, जमीन घूम रही है. तो दुनिया में कोई चीज स्टेशनरी है ही नहीं. नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव. हर चीज क्या है? रिलेटिव मोशन. दुनिया में कभी भी मोशन नाम की चीज को बोलना ही मत. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज रिलेटिव मोशन. Everything in the universe is relative motion. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे बैठ के देख रहे हो, आप मेरी क्लास में बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. आपको लगता है कि मैं रुका हूं, मुझे लगता है कि आप रुके हो. लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि जिस पे हम बैठे हैं जमीन, वो चल रही है. Everything is relative motion. तो दुनिया में ना कोई मोशन नाम की चीज है, रिलेटिव मोशन है, और ना ही कोई वर्क नाम की चीज है, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, ये एग्जैक्ट चीजें हैं. वर्क नाम की कोई चीज नहीं है, हीट नाम की कोई चीज नहीं है. क्यों? क्योंकि वर्क दिखेगा ही नहीं. वर्क दिखेगा कब? जब ट्रांसफर होगा, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं. घर वाले पूछते होंगे जब गांव जाते होंगे, चाचा पापा दादा नाना सब पूछते होंगे, बेटा क्या कर रहे हो दिल्ली में 6 साल से, बेटा क्या कर रहे हो दिल्ली में, कुछ काम तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा. गए तो हो काम करने, लेकिन कोई काम दिखाई नहीं दे रहा. दिखाई क्यों नहीं दे रहा पता है? क्योंकि कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं, आपने बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं किया. समाज क्या बोलते हैं? समाज आपके काम को तब मानता है जब आप कुछ करके दिखाओगे. करके दिखाओगे मतलब जिस बाउंड्री में आप बैठे हो ना, जिस घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो, उसकी बाउंड्री को क्रॉस करो और कुछ करके दिखाओ. जब आपका काम आपकी बाउंड्री से बाहर दिखेगा तब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. अब घर के अंदर बैठे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, पता नहीं क्या करो, फोन बतिया रहे हो कि पिक्चर देख रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो, किसी को क्या पता. तो जब वर्क ट्रांसफर होगा ना तब दिखेगा. इसलिए लोग पूछते हैं कि भैया बड़े दिन से दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा है. दिखेगा कैसे? कुछ दिखाया ही नहीं अब तक. जब ट्रांसफर करोगे तब तो दिखेगा. तो वर्क नाम की कोई चीज है ही नहीं. एवरीथिंग इज वर्क ट्रांसफर. ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनो. ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्क सिर्फ तब दिखेगा जब ये बाउंड्री को क्रॉस करेगा. कैसे? यहां पे इलेक्ट्रॉन बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क. यहां पे शाफ्ट बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, शाफ्ट वर्क. यहां पे कुछ नहीं बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है तो कुछ नहीं वर्क, नो वर्क. मतलब वर्क तब दिखेगा जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा. हेंस वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना. वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना. सिर्फ तब दिखेगा जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा. अब मैं चुप हूं, कुछ समझ में आएगा आपको? नहीं. साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये साउंड आपको कब नजर आएगी? जब ये साउंड मेरे होठों को क्रॉस करके बाहर जाएगी. अगर मैं अपने होठ बंद रखूं और बोलता रहूं, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ ही नहीं आएगा. तो जब मेरे होठों को साउंड क्रॉस करेगी तब आपको दिखाई देगी, तब आपको सुनाई देगी, है ना. इसलिए क्या बोलते हैं, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी तब दिखाई देती है जब वो बाउंड्री को क्रॉस करती है. सो वर्क क्या है? एक बाउंड्री की फिनोमिना. क्लियर? फिर से बिल्कुल क्लियर को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. यहां पे इलेक्ट्रॉन बाउंड्री को क्रॉस किया, इलेक्ट्रिकल वर्क. शाफ्ट बाउंड्री को क्रॉस किया, शाफ्ट वर्क. यहां पे कुछ भी नहीं बाउंड्री को क्रॉस किया, सब कुछ रूम के अंदर है, तो बाहर से क्या दिखाई देगा? नो वर्क. अब मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, पूरा दरवाजा बंद है, रूम बंद है, कुछ भी आवाज बाहर नहीं जा रही. अब अगर कोई इंसान बाहर खड़ा है, उसे पूछा जाए कि यार रूम के अंदर क्या चल रहा है, तो उसे क्या पता कि राधे मां का कीर्तन कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो? उसे क्या पता आसाराम बाबू से मंत्र ले रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो?
नहीं पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी आवाज रूम के बाहर जाए, रूम को क्रॉस करके बाहर जाए, तब वो बोलेगा आ टीचिंग कोई लगता है कर रहा है, क्योंकि आवाज बाहर आ रही है। आवाज जब बाउंड्री से बाहर जाएगी तब पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। क्लियर है? तो वर्क तब दिखेगा जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा, मतलब तब दिखेगा जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं वर्क ट्रांसफर, ना कि वर्क। तो पहला पॉइंट क्या मिला कि वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना। वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना। देखिए पहला कंक्लूजन, इसको मैं इरेज करता हूं, नोट करिए। वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना। वर्क के बारे में हमने दो चीजें देखी हैं, पहली तो डेफिनेशन है और दूसरी क्या है, बाउंड्री की फिनोमिना, ये हमने अभी देख ली। क्लियर? सो वर्क ट्रांसफर, पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना, मतलब तब दिखेगा जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा। वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना, कि वर्क तब दिखेगा जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा। क्लियर? अब समझिए, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, कि वर्क ट्रांसफर का चिन्ह परिपाटी क्या है। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, कि वर्क ट्रांसफर को हम कैसे डिनोट करते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं। देखिए कोई सिंपल सी चीज है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, ये है सराउंडिंग, ये है सराउंडिंग। सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया, ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग। सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया तो वर्क पॉजिटिव, ध्यान से समझिए, इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। किस पे? सराउंडिंग पे। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन आप कुछ भी मान लो, नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है वही मानते हैं। तो यहां वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब जब सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग के ऊपर तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अब जो और जो सराउंडिंग काम करेगा सिस्टम के ऊपर, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या मानेंगे, नेगेटिव। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी चीज सोचो, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, अगर मान लो आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव इंसान हो, किसी की मदद कर रहे हो, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, आप पॉजिटिव इंसान हो तो आप किसी की मदद कर रहे हो। और अगर कोई आपकी मदद कर दिया, अगर कोई आपके लिए काम किया, कोई आपकी हेल्प किया, आपकी मदद किया, तो आप उसके ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए, आपके ऊपर उसका एहसान हो गया, आप उसके ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए। ऋणी का मतलब निगेटिव हो गए। आपने काम किया, आप पॉजिटिव इंसान है, आपने इसलिए काम किया, हमारे लिए कोई काम कर दे तो मैं उसका एहसानमंद हो जाऊंगा, उसका ऋणी हो जाऊंगा, मतलब मैं निगेटिव हो जाऊंगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव। साइन कन्वेंशन में दो चीज लिखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। और दूसरा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव। सिस्टम काम करेगा पॉजिटिव, सिस्टम पे काम किया जाएगा तो निगेटिव। एक चीज और दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्रेशन का वर्क कैसा होगा और एक्सपेंशन का वर्क कैसा होगा, कंप्रेशन का वर्क कैसा होगा और एक्सपेंशन का वर्क कैसा होगा, ध्यान से समझिए। दो चीजें मैं आपको दिखाता हूं, एक कंप्रेशन और एक एक्सपेंशन। मान लीजिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, इतना समय मत लगाइए साइन कन्वेंशन समझने में। मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन लगा है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है और ये इसके अंदर एक प्यारा सा पिस्टन लगा है। इस सिलेंडर में कोई गैस भरी है, इस सिलेंडर में कोई गैस भरी है, सेम गैस इस सिलेंडर में भी भरी है। अब जब गैस भरी है तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। गैस का काम क्या होता है, एक्सपेंड होना। जब गैस एक्सपेंड होगी मतलब गैस खुलेगी, फैलेगी, तो गैस क्या करेगी, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगी।
जब गैस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन को लात मारेगी और पिस्टन को ऊपर धकेलेगी। जब पिस्टन को ऊपर धकेलेगी तो क्या होगा, ये एक्सपेंशन। जब पिस्टन को ऊपर धकेलेगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन। और जब एक्सपेंशन होता है तो हम पिस्टन में क्या करते हैं, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक लगाते हैं और गाड़ी के व्हील को घुमा देते हैं, क्योंकि उससे हमको वर्क मिल रहा है। कौन दे रहा है, गैस की वजह से हमको वर्क मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन और हम इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव। एक्सपेंशन मतलब हमको वर्क मिला, मिला मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। अब जब भी एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब भी जिंदगी में आप एक्सपेंड करोगे आपके ऊपर से हमेशा प्रेशर डिक्रीज होगा और आपका क्षेत्र बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपेंशन का वर्क क्या है, पॉजिटिव, ध्यान से समझिए। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब ये गैस है सिलेंडर में और ये पिस्टन है, हमने पिस्टन के ऊपर क्या किया, वेट रख दिया। पिस्टन के ऊपर क्या किया, वेट रख दिया, 10 किलो 15 किलो 20 किलो का वेट रख दिया। अब पिस्टन नीचे आना शुरू हो गया, जब पिस्टन नीचे आना शुरू होगा तो गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब गैस को कंप्रेस करेगा तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा और प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसको क्या, पिस्टन क्या कर रहा है, गैस को दबा रहा है, मतलब गैस के ऊपर वर्क कर रहा है। सो दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो कंप्रेशन मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव, इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो भैया क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, एक्सपेंशन पॉजिटिव, कॉम्प्रेशन नेगेटिव। इतनी चीजें हमने देख ली और एक चीज और देखी, क्या कि वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना, तब दिखेगा जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा। क्लियर है, तो चलिए सारे पॉइंट्स हम एक बार नोट कर लेते हैं। ये हम अभी वर्क की सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं, वी आर जस्ट हैविंग अ ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन अबाउट वर्क, अभी तो हम वर्क के अंदर गए भी नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क। क्लियर, सो नोट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेरी केयरफुली। तीन चार पॉइंट हमने देखे हैं वर्क के बारे में, अभी तो हम वर्क के अंदर चलेंगे और देखेंगे वर्क की बड़ी बड़ी विशेषताएं क्या है, कि वर्क कैसा फंक्शन है, क्या एक प्रॉपर्टी है, क्या वर्क एक पाथ फंक्शन है, क्या वर्क एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है अथवा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वर्क है क्या। ठीक है, ये सब हम देखेंगे, अभी हम वर्क का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करें छोटा सा प्यारा सा। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे एक जगह लिख लीजिएगा नोट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वर्क। पहला पॉइंट क्या, कि वर्क ट्रांसफर एक बाउंड्री की फिनोमिना है, कि वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री, इज अ बाउंड्री फिनोमिना, इज अ बाउंड्री फिनोमिना। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या देखा, वर्क डन, ये सारा एक जगह नोट कर लीजिए प्यार से, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या मानते हो, पॉजिटिव। तीसरा वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या मानते हो, नेगेटिव, क्या मानते हो, नेगेटिव। चौथा एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क क्या मानते हो, पॉजिटिव। पांचवा क्या देखा, कंप्रेशन वर्क, कंप्रेशन वर्क, कंप्रेशन का वर्क क्या मानोगे, नेगेटिव। सारे कंप्रेसर्स पावर खाते हैं, नेगेटिव, पावर यूज करते हैं। फ्रिज का कंप्रेसर पावर खाता है, पावर यूज करता है, नेगेटिव। एक्सपेंशन वर्क, बाइक वर्क देती है, एक्सपेंड होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क मिल रहा है, फ्रिज में वर्क देना पड़ रहा है, नेगेटिव, कंप्रेसर। ठीक है, और सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे, कि वर्क एक बाउंड्री की फिनोमिना है, मतलब वर्क तब दिखता है जब ट्रांसफर होगा, अगर ट्रांसफर नहीं होगा वर्क नहीं दिखेगा। और सुनो क्या पढ़ते हो, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का होना तो जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब ट्रांसफर हो गए, मैं खड़ा हूं यहां पर चुपचाप, कोई वर्क कर रहा हूं, अब पूछोगे सर कोई काम कर रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा हूं, मैं एक जगह खड़ा हूं, अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा हूं, अब मैं ट्रांसफर होना स्टार्ट करूं, ऐसे ऐसे जब मैं डिस्प्लेस होना शुरू करूंगा तो मैं क्या करूंगा, वर्क करना शुरू कर दूंगा। इसीलिए वर्क कब दिखेगा, जब ट्रांसफर होगा। इसीलिए इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज अ एनर्जी इन ट्रांजिट,
वर्क इज एन एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब जब ट्रांसफर हो रहा होगा तभी दिखेगा। सो वर्क, इस बात को बिल्कुल दिमाग में और नोट में दोनों में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वर्क इज एन एनर्जी इन ट्रांजिट, वर्क इज एन एनर्जी इन ट्रांजिट तभी दिखेगा जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा। सो वर्क इज एन एनर्जी इन ट्रांजिट। इतना सब चीजें हमने सिर्फ देखी है वर्क के डेफिनेशन में, अब हमको चलना है वर्क के अंदर, वर्क के बारे में पढ़ना है, अलग अलग प्रोसेस में वर्क निकालना है, वर्क की खुद की इक्वेशन डिराइव करनी है। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफर इन अ क्लोज्ड सिस्टम। अब हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, क्लोज्ड सिस्टम में वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन निकालना। इन सब चीजों को बेसिक्स रिवाइज कीजिए, अभी हमने सिर्फ वर्क का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। थर्मोमेट्रिक हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, उसके बाद हमने गिब्स फेज रूल का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, वर्क की एक छोटी सी डेफिनेशन देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे वर्क के बारे में पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस, और उसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तब तक बने रहिए होमवर्क चैनल के साथ एंड कीप सपोर्टिंग होमवर्क टीम, कीप उनको आप कीप सपोर्टिंग और उनको एनकरेज करना, उनको एनकरेज करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।